हाँ जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, एक मैं इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं रिगार्डिंग इन लेटेस्ट लैटर आया है सारियां नूं, जिहदा बहुत देर तो वेट सीगा, जिहड़े भी 17/7/2020 तो बाद ज्वाइन होए सीगे पंजाब गवर्नमेंट, मतलब कि किसी भी डिपार्टमेंट दे विच जिहड़े 17/7/2020 तो बाद पंजाब स्टेट पंजाब दे विच ज्वाइन होए ने, उन्हां नूं पता ही है सारियां नूं कि उन्हां नूं सेंटर दे पे स्केल मिले ने, ते उन्हां नूं ओह तां पता है कि हाँ जी बेसिक जिहड़ी हैगी बेसिक पे है ओह तां सेंटर दे अकॉर्डिंग फिक्स होनी है, सेंटर दे पे स्केल दे अकॉर्डिंग फिक्स होनी है, बट उन्हां नूं अलाउंसेस दा उस टाइम क्लीयर नहीं किया हुआ सी कि अलाउंसेस किवें मिलने ने। हुण गवर्नमेंट ने आ लैटर कढ़ता जिहदे च उन्हां ने क्लीयर करता कि जी जिहड़े भी अलाउंसेस मिलने ने वो सारे जिहड़े कि पंजाब गवर्नमेंट दे बाकी इंप्लॉयज़ नूं जिहड़े जिहड़े अलाउंसेस मिलते हैं उहदे अकॉर्डिंग ही मिलने ने, बस सिर्फ बेसिक पे का फर्क होना है, बेसिक पे जिहड़े स्केल्स ने अकॉर्डिंग टू सेंटर मिलने ने, ते जिहड़े अलाउंसेस है अकॉर्डिंग टू स्टेट मिलने ने, जिहड़े भी 17/7/2020 तो बाद ज्वाइन किए ने, जिन्हां दा भी 3 साल का प्रोबेशन पीरियड सीगा हुण जुलाई च खत्म हो जाना है, जुलाई दे विच उन्हां नूं मतलब कि उन्हां दा पे क्योंकि उन्हां दा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाना है, उन्हां नूं पूरी पे मिलनी है विद अलाउंसेस मिलनी है, तां करके गवर्नमेंट ने लैटर कढ़िया है कि जिहड़े तां स्केल मिलने ने वो तां सेंटर दे अकॉर्डिंग मिलने ने, बट जिहड़े अलाउंसेस मिलने ने अकॉर्डिंग टू स्टेट मिलने ने, दैट इज़ पंजाब गवर्नमेंट दे अकॉर्डिंग, जिन्हें जिहड़े पंजाब गवर्नमेंट इंप्लॉय दे बाकी जने वो लै रहे ने अलाउंसेस वो भी लै रहे ने। उहदे लई मैं तुहानूं दस्सदा किहड़े किहड़े अलाउंसेस मिलने ने, मेन दस्सांगे सारे नहीं। लो जी, पहले नंबर पर तो एक तो तुहानूं बेसिक पे तो तुहाडी अकॉर्डिंग टू सेंटर दे अकॉर्डिंग मिलनी है जिन्नी भी बेसिक होगी, ठीक है। उस तो बाद आ गया, ये सारे की अलग अलग होगी इसलिए ये बारे मैं कुछ नहीं अजे कह सकता। उस तो बाद DNS अलाउंस, एट प्रेजेंट DNS अलाउंस पहला चलता सी 32%, हुण हो गया ये 34% ऑफ बेसिक पे, जिनी बेसिक पे है वह 34% कर दी। जे मान लो किसी की बेसिक पे 100 है, मान लो 100 रुपया, वैसे तो 100 नहीं होनी जी, कि मिनीम 35 के करीब तो होगी, 35,000 के करीब तो होगी सारिया की। मान लो किसी की बेसिक पे 100 है तो वह 34% कर लो, उन्होंने 34 रुपये DNS अलाउंस मिलना है। DNS अलाउंस 34% की था ये बेसिक पे का, एक तो यह याद रखना DA 34% मिलना है फिक्स, हाँ ये पक्का फिक्स है जी। इस टाइम ये गवर्नमेंट बार बार ही चेंज करती रहती है क्योंकि हुणे ही इन्हें लेटेस्टली पहले 32% सीगा, हुण इन्होंने ये 34% किया, क्लीयर है। उस तो बाद गल आ गई HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये अलग अलग है जी, ये किहड़े किहड़े ने वो मैं तुहानूं दस दिना, लिख दिना सारे किहड़े कि हाउस रेंट अलाउंस किन्ना किन्ना मिलना है, मैं तुहानूं दस दिना कि जिहड़ा HRA है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग है, अपनियां 4 सिटीज़ दियां 4 कैटेगरीज़ है, वो चारों कैटेगरीज़ की डिटेल मैं दस दूंगा। जिहड़े ए कैटेगरी वाले ने उन्हूं तां 24% मिलता है, वो तो न्यू दिल्ली है, वो तो कोई है ही नहीं अपना। बी कैटेगरी च जिहड़े सिटीज़ आते हैं पंजाब के उन्होंने 16% HRA मिलना है, जिहड़े सी कैटेगरी आते हैं उन्होंने 10% मिलना है, जिहड़े डी कैटेगरी आते हैं उन्होंने 8% मिलना है, ज़्यादातर जिहड़े पिंडां च जॉब करते हैं उन्होंने ज़्यादातर 8% ही मिलता है जी, ठीक है जी। हुण आ ABCD जिहड़े कैटेगरीज़ है किवें लैनी है ये भी तुहानूं दसदा, देखो इत्थे तां क्लीयर है जी सारिआं नूं। चलो इहदा भी तुहानूं मैं लैटर दिखा दिंदा जिस दे अकॉर्डिंग तुहानूं ये पता चल जाए। आ सिटीज़ ने जिन्हां दे अकॉर्डिंग तुहानू DA मिलना है जी, जिवें जिहड़े ए कैटेगरी वालिआं ने उन्हां नू 24%, जिहड़े न्यू दिल्ली दे विच उह तां अपने कोई होणा ही नहीं उन्हां नू 24%, जिहड़े बी कैटेगरी जिवें लुधियाणा वगैरह आउंदे ने अमृतसर वगैरह जिहड़े सिटीज़ दे विच रहिंदे ने उन्हां नू मिलना है जी तुहाडा 16%, ठीक है। इन्हां नू 24% 16 8 दा नहीं, सी कैटेगरी वालिआं नू मिलना है जी 10%, जिवें कोई
ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 16%, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਮੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 8%, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8%, ਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10%, ਬੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 16%, ਅਤੇ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 24% ਮਿਲਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਐੱਚ ਆਰ ਏ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਲਤੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਡੀ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 34% ਜੀ, ਇਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਐੱਚ ਆਰ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 8% ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 10% ਹੈ, ਜਾਂ 12% ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਰੀ 8, 10, 16 ਜਾਂ 24 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜੀ, 1,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਉਂਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, 500-600 ਜਿਹੜੀ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 1,000 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 600, ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 500 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਕਿ 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਉਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ 500 ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ 600, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਇਆ, 1,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ।